सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज आप सभी लोगों का इस नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, कई दिनों से मुझे अपने वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे कि भाई Redmi Note 8 डिवाइस पर हमें MIUI 12 का अपडेट इंडिया में और ग्लोबल में कब मिलने वाला है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर करो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास Redmi Note 8 डिवाइस आ चुका है। मेरे फ्रेंड के पास ये फोन था, वो यूज कर रहा था, तो थोड़ी देर तक हमने इसको मांग लिया है। तो गाइस, करंटली मेरे फोन पर यहाँ पर MIUI 11 का एक अपडेट इंस्टॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.0.6। यहाँ पर गाइस अभी तक Redmi Note 8 डिवाइस ऐसा एक डिवाइस है जिस पर अभी तक ऑफिशियली Android 10 का अपडेट भी हमें नहीं मिला है, जो आपको MIUI 12 के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस ऑफिशियली कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि भाई कब तक आपको Redmi Note 8 पर MIUI 12 का अपडेट मिलेगा। पर गाइस, मेरे हिसाब से आपको 1 से 2 वीक के अंदर ये अपडेट मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाइस Redmi Note 8T पर भी MIUI 12 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट है, वो ऑफिशियली Xiaomi के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर Redmi Note 8T डिवाइस पर MIUI 12 का 12.0.1 ग्लोबल स्टेबल अपडेट है, उसको भी रोल्ड आउट कर दिया गया था। तो सेम उसी तरीके से आपको 1 से 2 वीक के अंदर Redmi Note 8 डिवाइस पर इंडिया में और ग्लोबल में MIUI 12 का ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें फीचर्स की और क्या क्या आपको चेंजेस मिलेंगे, तो सेम Redmi Note 8T की तरह ही आपको Redmi Note 8 पर भी चेंजेस मिलने वाला है। साथ में गाइस यहाँ पर आपको Android 10 का अपडेट मिलेगा, जो अभी तक आपको Redmi Note 8 पर नहीं मिला था। और गाइस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि MIUI 12 के सारे फीचर आपको मिलने वाला है, जो अभी तक यहाँ पर Redmi Note 8 पर नहीं आए थे, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो हो गया, उसके बाद Android 10 जेस्चर बार हो गया, वो सारे फीचर आपको Redmi Note 8 डिवाइस पर देखने को मिल जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर Redmi Note 8 के बारे में निकल के आ रही थी। जैसे ही गाइस यहाँ पर Xiaomi के द्वारा ऑफिशियली ये रिलीज हो जाता है, उसके बाद मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पर उसको अपडेट कर पाएंगे। वैसे गाइस, अगर आपको कोई भी अपडेट Redmi Note 8 के बारे में डाउनलोड करना है तो आप Murex ऐप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जितने भी अपडेट अभी तक Redmi Note 8 पर आए हैं वो सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपके सारे आंसर है वो आपको मिल चुके होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल अभी भी बाकी रह गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वहां पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।